नमस्कार, मैं हूँ सरोज राजपूत और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, तब से लोगों में पक्षियों के लिए दया का भाव कम होता देखा गया। तो वहीं माजलपुर में शिव पार्वती विवाह स्थल बागावल्डी पर संत रामदास ने दाना पानी की व्यवस्था की, जिसके बाद को का हुजूम उमड़ पड़ा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, तब से लोगों में पक्षियों के लिए दया का भाव कम होता देखा गया। जीरापुर में भी कौए के आकस्मिक मरने की पुष्टि हुई थी, जिससे कौए के सैंपल भी भेजे गए थे। इस बीच माचेबुल के बागेश्वर महादेव बागावल्डी पर अचानक कौए के आगमन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सैकड़ों की संख्या में कौओं ने यहां अपना डेरा डाला है। बागावल्डी शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। यहां आए हुए प्राणियों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अचानक आए कौए की भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था यहाँ हुई। बता दें कि यहाँ बागावल्डी की व्यवस्था रामदास महाराज द्वारा देखी जाती है। इनके द्वारा कौओं को दाने के रूप में चावल गेहूं आदि खाद्य सामग्री डाली गई। इसके बाद कौओं का कतार सी यहाँ पर देखने को मिली। बर्ड फ्लू का डर लोगों के मन में बैठा हुआ है और लोग पक्षियों से दूरी बना रहे हैं। तो वहीं रामदास जी महाराज बागावल्डी माचलपुर के द्वारा इन पक्षियों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ये अभी वर्तमान में बर्ड फ्लू चल रहा है, इतने पक्षी इतनी मात्रा में पक्षी आते हैं, अभी कौओं का हुजूम यहाँ पे आया है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, माता पार्वती भोलेनाथ की नगरी है ये, तो यहाँ तो सभी प्राणी आते जाते रहते हैं, तो दाना डाल देते हैं, भगवान की मौज है यहाँ पे। तो करोना भी आया तो उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं रही, यहाँ सब भोलेनाथ माता पार्वती के ऊपर। तो ये जो इतने सारे कौवे आए, क्या डाला आपने इनको? इनको चावल वगैरह बाटी का चूरा इनको डाला, इससे इनका पेट भरा जाएगा। हाँ। आपको लगता है क्या ये नुकसानदायक है क्षेत्र के लिए या बल्डी के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शहर की विश्वसनीय और तथ्यपूर्ण खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। और रखिए देश के हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।